जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर प्रे अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब जानते हैं। देखिए, अब जोर शोर से भाई लग जाइए अच्छे से, क्योंकि तो वैकेंसी भी आपकी आ गई है, इसलिए आप अभी से भाई पढ़ना चालू कर दो। देखो, हम लोग जीरो से स्टार्टिंग फिर से किए हैं आपके लिए क्लास, क्योंकि इस बार हमें आप लोगों को भाई फौजी बनाना है। आगामी फौजी आप ही हैं, आप ही भाई मिलने भी आएंगे फौज में भाई, अगर हो जाएंगे भाई वर्दी पहन कर जरूर आइएगा मिलने हम लोगों से, ठीक है। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ भाई, अच्छे से अभी से बेस को मजबूत करो मित्र, ठीक है। पढ़ते रहोगे तो आपका तैयार रहेगा। एग्जाम हम कह रहे हैं, एग्जाम तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अभी से अगर फोकस करोगे पढ़ाई पर भाई, तो एग्जाम आपका कहें आज हो चाहे कल हो चाहे परसों भाई, कभी भी हो, आप उसके लिए अगर पढ़े रहोगे तो दे सकते हो भाई 100% अपना एग्जाम भाई क्रैक कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग क्लास है, स्टार्टिंग क्लास आपको समझना चाहिए। देखिए, संख्या पद्धति जितना आपका आने वाला है भाई, जो आपका आता है एग्जाम में, वो सब बताए हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, वर्ग और वर्गमूल लेके चलेंगे। इसके बाद हम लोग घन घनमूल लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले स्क्वायर पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि इनसे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, और जो क्वेश्चन आता है भाई, हम सब आपको बताएंगे क्या कैसे है। चलिए आज स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों सीखेंगे एक साथ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या भाई, वर्ग वर्गमूल। देखिए, स्टार्टिंग के कायदे से अगर इसको समझ लिए तो 100% एक आप बना लेंगे प्रश्न को। वर्ग वर्गमूल देखें इसको। अब देखिए, वर्ग क्या है भाई, वर्ग आपको क्या, जैसे स्क्वायर आप पढ़े हैं छोटी क्लास से, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए, स्क्वायर आपको अभी तक हम कहें अगर 10 तक तो लगभग आपको याद होगा, लेकिन 10 तक नहीं, कम से कम आप, हम कह रहे हैं कि आपको 25 तक याद होना चाहिए, 24-25 तक तो 100% कम से कम याद कर लें, और लगभग 30 तक याद रखें तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 24 तक रखे रहेंगे भाई, याद करे रहेंगे, तो आपको वर्गमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखिए भाई, देखिए 10 तक तो सबको याद है, 10 तक तो स्क्वायर भाई सबको तैयार रहता है। देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं कितना कहेंगे हम, वैसे तो हम 25 तक आपको लिखवा दे रहे हैं, एक का स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले इसको लिख लेना, चार्ट बना ले, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर और सात का स्क्वायर, यहाँ पर कह दें इसको और ऊपर कर दें, यहाँ पर हो जाए भाई 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और अगला हो जाए भाई 10 का स्क्वायर। चलिए इसको देखें, अब इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, 1, 2, 3 यहाँ पर इसका स्क्वायर 8 और 9 होगा यहाँ पर 10। तो एक का स्क्वायर का मतलब क्या है, एक का स्क्वायर का मतलब है जो घात में दो लगा, इसका मतलब है एक को कितनी बार लिखना है, कहेंगे दो बार, तो एक ही कर्णम कितना, कहेंगे एक हो जाएगा। दो के स्क्वायर का मतलब है दो का गुणा कितनी बार, कहेंगे दो बार, दो दूना कहेंगे चार। देखिए, स्क्वायर का मतलब जिस संख्या का स्क्वायर पूछ रहे हैं, इसका मतलब उसी संख्या में उससे क्या करें, गुणा कर दें। जैसे अगर हम कहें 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का गुणा 3 में ही करना है, 3 3 का, कहेंगे 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर पूछा जाए तो 4 का गुणा 4 में ही करना है, 4 4 कितना भाई 16। 5 का कहेंगे 5 5 25। 6 का 6 6 भाई कितना, कहेंगे 36। 7 7 49। 8 8 64 और 9 का कितना 81 और 10 का कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं फिर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कहेंगे 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का यहाँ पर 36 हो जाएगा, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का कितना भाई 81 और 10 का कितना, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। ये आपको भाई याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लिख देते हैं हम, 11 का लिख दें, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 12 13 14 15 का स्क्वायर 16 है भाई, 17 18 19 और यहां पे कह दें 20। चलिए इसको निकालें। देखिए, अभी आपको हम निकालना भी इसका सिखाएंगे, कैसे आप जल्दी कर सकते हैं इसको निकालने के लिए भाई।
देखें, देखो भाई, अब यहाँ पर भाई कितना तो कहेंगे 13 का, यहाँ पर तेरह हो गया, यहां पर 12 और यहां पर 11 का। चलिए देखते हैं इसको। अब आप बताएं भाई यहां पर कितना हो जाएगा 12 का, सॉरी 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या करेंगे भाई, देखिए 11 ग्राम में कितना होगा 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 121 हो जाएगा, 121 हो गया। 12 का स्क्वायर क्या है, तो 12 ग्राम में कितना कहेंगे 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 144। और 13 का कितना होगा भाई, 13 का हो जाएगा कहेंगे 169। कितना हो गया 169। 14 का 196, 15 का 225, और 16 का 256, और 17 का भाई 289, 18 का 324, और 19 का कितना तो कहेंगे 361, 361, और 20 का कितना भाई तो कहेंगे 400 होगा। कितना हो गया तो कहेंगे 400 हो जाए। अब देखिए 25 तक तो कम से कम हम कह रहे हैं मिनिमम याद रखें भाई, कहाँ तक तो 25 तक। चलिए और लिख देते हैं, पांच और लिख दें। जैसे अगर हम कहें भाई अब 21 का बताएं, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, इसको समझें। 21 का स्क्वायर तो कहेंगे 441, 22 का 484 और 23 का कितना हो जाएगा भाई 529, और 24 का कितना हो जाएगा भाई 576, और 25 का कितना तो कहेंगे 625। ये इतना आपको क्या भाई याद होना चाहिए कम से कम 25 तक। 25 तक मतलब 24 तक ही कहें, लेकिन 25 क्या है भाई, 25 भी याद कर ले। अगर इतना याद रहेगा तो आप वर्गमूल को जल्दी कर सकते हैं, बाकी तो हम आपको निकालना सिखा रहे हैं। किसी का भी वर्ग कहेगा तो आप निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड अगर सही से पढ़े तो, ठीक है भाई। चलिए अब निकालना सीखना है, किसका निकालें भाई, चलिए इन्हीं सब में से निकाल दें किसी एक का। जैसे अब आपको मान लीजिए वर्ग निकालना है, अब किस संख्या निकालें, मान लीजिए हमको 26 का निकालना है, 25 का निकाल दें। सबसे पहले हम 24 का निकालेंगे भाई, किसका स्क्वायर कहें 24 का स्क्वायर निकालना है। अब आप क्या कर सकते भाई, ऐसे लाइनिंग करें भाई, आप लाइनिंग कर दें, ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे सिंपल होता है ये। देख यहां पर क्या करना है भाई, यहां पर सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है इसके आगे का, 2 का स्क्वायर कहेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कहेंगे 16 हो जाएगा। कितना हो गया भाई, मतलब आगे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो दोनों अंक है दोनों का गुणा करके इसका डबल कर देते हैं, मतलब घात से गुणा। तो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = क्या होगा तो कहेंगे 16 हो जाएगा। और यहां पर लिखेंगे ये हमेशा जो लास्ट का अंक रहेगा इसको हमेशा खाली रखेंगे, मतलब एक अंक लास्ट का खाली रखेंगे, इस साइड आप भर सकते हो, इसको जोड़ लो। यहां पर 6 × 6 = कितना तो कहेंगे 7, और 4 × 1 = कितना तो 5, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 576 हो जाएगा। देखिए इसके पहले हम लिखाए भी हैं 24 का स्क्वायर कितना तो 576 हो। चलिए आगे देखें, जैसे मान लीजिए तो 24 का हो गया, ये 24 का हो गया, मान लीजिए आपको और कोई संख्या कह दे निकालने के लिए, मान लीजिए आपसे कह रहा 26 का निकालना है, 26 का स्क्वायर। अब इसमें कैसे करेंगे भाई, देखना सबसे पहले आगे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहेंगे 4 हो गया, और 6 का स्क्वायर कहेंगे 36। अब क्या करना है, दोनों अंकों का गुणा, 6 × 2 = 12, अब 12 का जस्ट डबल करना है, 12 × 2 = 24, ये अंक हमेशा खाली, जोड़े इसको तो कहेंगे 6, और 4 × 3 कितना तो कहेंगे 7 हो जाएगा, 4 × 2 कितना तो 6। इसका मतलब 26 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 676 आ गया, कितना आ गया 676। मान लीजिए और कोई संख्या कह रहा है, जैसे अगर कह दें 27 का कह दें, 27 का स्क्वायर बताएं। देखिए कोई भी संख्या हम कह रहे हैं निकाल सकते हैं, आप लाइनिंग कर दें, 2 का स्क्वायर 4 भाई, और 7 का कहेंगे 49, दोनों का गुणा इसका जस्ट डबल, तो 7 × 2 = 14, और 14 × 2 = कितना भाई तो कहेंगे 28। जोड़ो इसको भाई कहेंगे 9, 8 × 4 = 12 की 2 हाँसी ले, 4 × 2 = 6 जोड़ेंगे तो 7, और 27 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 729 आ गया। कितना आ गया 729 आ गया।
इसी प्रकार और कोई बड़ी संख्या ले ले, मान लीजिए हम कहें आपको 54 का स्क्वायर बताना है भाई। देखिए कोई भी 100 तक के अंदर आप कोई भी संख्या ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब कर सकते हो भाई। 54 का स्क्वायर ले, 5 का स्क्वायर, कहेंगे 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, और 4 का स्क्वायर कितना, तो कहेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का भाई क्या करें, गुणा, गुणा करने के बाद डबल, तो 520 दूना कहेंगे 40 हो जाएगा। आखिरी का अंक बताए हैं, खाली रखना होता है भाई, जोड़ो इसको भाई 1 में 0 तो कहेंगे 1, 5 4 9, और यहां पर 2, आ गया कितना 54 का स्क्वायर, कहेंगे 29 16 हो गया। कितना हो गया भाई 29 16 हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपको हम 52 का दे दें, 52 का स्क्वायर निकाल दें। ये 52 का स्क्वायर अब कैसे करना है इसको भी समझ लें। 5 का स्क्वायर कहेंगे 25 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर होगा 4। और हमेशा एक चीज और ध्यान देना भाई, यहां पर जब भी आपका सिंगल अंक है, अकेले एक अंक है, तो उसको डबल बनाया जाता है। अब डबल, अब 4 को अगर डबल बनाना तो पीछे लगाएंगे नहीं 0, क्योंकि पीछे लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा, इसके पहले क्या लगाएंगे 0, ये डबल अंक बन जाएगा। तो यहाँ पर डबल अंक लिखेंगे भाई 04। अब इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, क्योंकि दोनों का गुणा करके डबल, तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर लिखे 20। चलिए जोड़े तो 4, यहाँ पर 0, 5 2 7, और यहाँ पर 2, इसका मतलब 52 का स्क्वायर मिल गया 27 04। कितना हो गया भाई 27 04। इसी प्रकार आगे हम कहें, मान लीजिए आपको दे दें हम 76 का स्क्वायर। अब 76 का स्क्वायर कर रहे भाई, तो कैसे, सेम उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर कहेंगे 49 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो कहेंगे 36 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, अब गुणा करके डबल करना होता है, तो सत्संग 42, 42 दूना कितना होगा भाई, कहेंगे 84 आ जाएगा 84। ये अंक खाली जोड़े इसको, तो 6 और 4 3 7, और 9 8 17 की 7 हासिल, 1 इसमें जोड़ेंगे 4 1 कितना, तो कहेंगे 5। मतलब 76 का स्क्वायर आ गया 57 76 आया। कितना आया भाई, कहेंगे 57 76 हो गया इसका स्क्वायर हो गया। मान लीजिए और कोई अंक कह दे आपसे, दे दिया मान ले 88 दे दिया जाए, 88 का स्क्वायर बताएं आप, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इनका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कहेंगे 64, फिर इस 8 का स्क्वायर कहेंगे 64। अब क्या करना है, अब हमने बताया दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा करेंगे 8 28 64, और 64 का जस्ट डबल, तो 64 दूना कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 128 128। और लास्ट का अंक हमने बताया खाली, जोड़े इसको, तो 4 8 6 14 की 4 हासिल, 1 यहाँ 4 2 6 1 जोड़ेंगे 7, और 6 कितना, तो 7। तो आंसर कितना आ गया 88 का स्क्वायर 77 44 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 77 44 हो जाएगा। आगे देखें 5 के गुणे, देखें 5 वाले जिसके अंत में 5 लगा रहता है उसको कैसे करते हैं। जैसे अगर हम कहें मान लीजिए 25 ले ले, क्योंकि 25 का स्क्वायर आपको याद होता है, उसको चेक कर लें। देखो भाई, एक तो जो तरीका हम सिखा रहे हैं उस तरह से कर सकते हो, जैसे लाइनिंग पे ही कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कहेंगे 4 और 5 का 25, दोनों का डबल करो, 5 दूनी इसमें पहले गुणा, 5 दूनी 10, और 10 का डबल कहेंगे 20, जोड़े इसको, तो 5 यहाँ पर 2, और 4 2 कितना, तो कहेंगे 625 हो जाएगा। लेकिन भाई 5 जिसके अंत में रहे उसका गुणा और थोड़ा इजी हो जाता है, कैसे, जैसे हम 25 ही लिखें यहाँ पर, क्या करें इन दोनों का गुणा, 5 5 25, ये 3 होता है, इसमें एक संख्या जोड़ा जाता है, इस 3 में अगर एक जोड़े तो कह दे 3 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 3, और इसका गुणा किया जाता है, 3 दूनी कितना, तो कहेंगे 6, यानी कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देखें इसको, 25, और यहां पर भी क्या हुआ भाई 25 हो गया, गुणा करें इसका, तो कहेंगे 5 5 25। अब इसमें चाहे आप इसमें एक बढ़ा लें, चाहे इसमें बढ़ाएं, एक ही बात है, तो 2 में एक बढ़ाएंगे कहेंगे 3, और 3 दूना कितना, तो कहेंगे 625 आ गया। अगर आपसे मान लीजिए 35 का कहा जाए भाई, किसका कहा जाए 35 का, तो 5 5 25, 3 में एक बढ़ाएंगे कहेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का पारा इसी 3 में कर रहे, 4 3 कहेंगे 12 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भाई, कितना आ गया, कहेंगे 12 25 हो गया। चलिए आगे देखें, मान लीजिए आपसे कह रहा है, यहां पर कह दें
कि आप बताइए हमको 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर मतलब 5 पचम, मतलब आखिरी का 5 पचम 25 हुआ। इसमें आगे वाले में एक बढ़ा ले, 5 में एक जोड़े तो कहेंगे 6, और 6 का गुणा इसी 5 में कर दे 56, कहेंगे 30 हो जाएगा भाई। कितना हो गया? 30 हो गया। आगे देखें इसी प्रकार अगर हम कहें 65 का, देखिए वर्ग निकालना सबसे बेहद आसान है भाई, आप कायदे से सीखे तो आप लाइनिंग पे जो बताएं उसको भी आप इस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वही रहेगा। चलिए देखें, इसका गुणा 5 पचम 25, 6 में एक जोड़ो कितना होगा भाई, कहेंगे 7, और 7 छंग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 42, यानी आ कितना गया 42 25 आया। आगे इसी प्रकार अगर कहें मान लीजिए आपको 75 का निकालना है, तो 75 का यहाँ कहेंगे 5 पचम 25, 7 में एक बढ़ाओ कहेंगे 8, 8 सब कितना, तो कहेंगे 56 हो जाएगा। कितना हो गया भाई? 56 25 हो गया। 85 का देखिए गुणा लगाते चलो भाई, 85 तो 5 पचम 25 हो जाएगा, 8 में एक बढ़ाओ 9, और 9 का गुणा 8 में करो 9 8 72, ये मान आ गया। 95 का कर दो इसी प्रकार, तो 5 पचम 25, 9 में एक जोड़ो भाई कितना होगा, कहेंगे 10 होगा, 10 और 9 का गुणा, तो 10 9 90 हो जाएगा भाई। आगे मान लो 105 का करना हुआ, किसका करना है, 105 का करना हुआ मान लीजिए, देखे 105 105, तो कहेंगे 5 पचम कितना 25, 10 में एक जोड़ो 11, और 11 दामा कितना, कहेंगे 110 आ गया, कितना 11 0 25 आ गया। 115 का मान ले, 115 तो 5 पचम 25, 11 में एक जोड़ो भाई 12, अब 12 ग्राम में कितना, कहेंगे 132, 13 225 आया भाई। कितना आ गया? 13 225 आ जाएगा। तो मतलब 5 के गुणे तो और इजी बन जाते हैं, बाकी कोई संख्या का निकालना हमने आपको लाइनिंग पर सिखाया। लेकिन एक पॉइंट और हम आपको बताएंगे, 100 के गुणे करने थोड़ा, जो 100 के करीब अंक होते हैं उनका गुणा और इजी होता है। क्या होता है? इजी होता है। जैसे अगर हम कहें आपको 92 का ही स्क्वायर मान लीजिए निकालना है, या हम दे दें 94, चलिए मान लीजिए 94 का स्क्वायर, एक तो हम लाइनिंग पर करवाते हैं आपको ये बता रहे हैं कि आगे का स्क्वायर करें भाई 9, 9 का स्क्वायर कहेंगे 81, और 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, उसके बाद हमने बताया दोनों का गुणा करो जस्ट उसका डबल, तो 9 चौक 36, और 36 दूना कितना, तो कहेंगे 72, जोड़ो भाई तो कहेंगे 6, और यहाँ 1 2 कितना, तो कहेंगे 3, यहाँ 7 1 8, यहाँ पर कितना 8, तो आंसर आ गया 88 36 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, और 100 के गुणा थोड़ा और इजी होता है भाई। कैसे सीखना, वो चाहे अलग अलग अंक हो चाहे एक ही अंक हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो भाई 94 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिए, 100 से कितना कम है, कहेंगे 6 कम है, ये भी 100 से 6 कम है, तो भाई क्या करो दोनों का गुणा करो 6 छंग, कहेंगे 36। अब इसमें से चाहे इसको घटाओ, इसमें से चाहे इसको घटाओ, आपका आंसर 94 में से 6 गया तो कहेंगे 88 आ गया। देखिए इसके पहले भी क्या है 88 36 आया था, कितना है 88 36, इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, आगे देख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें मान लीजिए यहां पर कहा जाए आपको 94 गुणे ले ले हम, आप यहां पर लिख दे भाई 95, मान लीजिए अलग अलग अंक दे दिए, अब इसका गुणा कैसे करोगे, या तो ऊपर नीचे लिख के करो, इसको समझना भाई, 100 से कितना, तो कहेंगे 6 कम है, ये 100 से कितना कम है भाई, कहेंगे माइनस का 5 कम है, कितना कम है माइनस का 5, मतलब 100 से 5 कम है, तो दोनों का गुणा कर लो भाई, कहेंगे 6 5 30, कितना आ गया 6 5 30। अब आप तिर्यक घटाओ भाई, चाहे 95 में से 6 घटा दो, चाहे 94 में से 5 घटाओ, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 94 में से 5 घटाएंगे तो कहेंगे 89 आ गया, इसका गुणा क्या हो गया 89 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 89 30 हो जाएगा, या एक मिनट, हाँ या भाई इसी को कोई और ले लें भाई, मान के जैसे कर दें हम यहाँ 92 ले लिए, गुणे ले लें कितना 97 ले लिए, अब आप इसका गुणा बताएं कितना होगा, तो कहेंगे 92 कितना 100 से कम है भाई, कहेंगे 8 कम है, कितना कम है 8 कम है, 97 कितना कम है, तो कहेंगे 3 कम है, तो दोनों का गुणा करो 8 और 3 8 3 कितना भाई, कहेंगे 24 हो जाएगा।
अब आप 97 में से चाहे 8 घटाओ और चाहे 92 में से 3, मतलब 83 घटाना है, तो चलिए 92 में से घटाए 3, तो 92 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 89 हो जाएगा। इसका गुणा कितना आ गया, 89 24 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 89 24 आ जाएगा। एक और पॉइंट समझेंगे, जैसे अगर कहा जाए भाई 98 × 97 दे दिए, मान लेते हैं इनका करें, तो ये कितना कम है, कहोगे -2 कम है, ये कितना कम है, तो -3 कम है। देखिए डाउट कोई ना रखें भाई, आपको सब बताया जाएगा। अगर इनका गुणा करें तो कहेंगे 3 × 2 = 6। अब आप खुद देखो भाई, 97 से 2 घटाओगे क्या 95, 956 हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखो भाई अभी तक डबल अंक आते थे, जैसे 8 + 3 कर दे 24 आ गया, यहां लेकिन एक ही अंक है, क्योंकि 100 के करीब हमको डबल अंक बनाना होता है, एक ही अंक है, एक आगे 0 लगा दो डबल अंक आपका हो जाएगा भाई, यहां पर कितना हो गया तो डबल अंक। अब आप इसमें से चाहे इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, 97 में से 2 जाएगा तब भी आपका 95 बचेगा, और 98 में से 3 घटाओगे तब भी आपका क्या होगा, 95 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो यार भाई आप लोग इसको कायदे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से भाई इसको निकालना सीख जाए। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे वर्गमूल पर पढ़ाएंगे और सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। देखें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या आपको बताना है भाई, क्या कह रहा है कि ये किसका वर्गमूल है। देखो रूट लग गया है, रूट का मतलब ये दिखाता है संख्या जो है किसका वर्गमूल है, 35 का है कि 25 का है कि 40 का है कि 50 का है। अब देखिए अंत में 0 है, यहां पर 5 है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे भाई, क्यों, क्योंकि देख लो भाई अगर हम इसी में 40 से कहें गुणा करने के लिए तो 00 और 4 × 4 कितना, तो कहेंगे 1600 हो गया। 50 का करो भाई तो कहेंगे 00, क्योंकि 1 0 1 0 है, 5 × 5 = 25, तो ये तो है ही नहीं भाई, ये दोनों विकल्प तो आपके क्या है, कैंसिल हो गए। अब आगे कैसे करना है भाई, देखो 25 का है, 25 का स्क्वायर आपको याद ही है कि कितना होता है भाई, 625, या भी हमने बताया 5 का वर्ग निकालना कैसे किया जाता है, तो 5 × 5 = 25, इसमें 1 बढ़ाओ 3, 3 × 2 = कितना, तो 625, इसका मतलब ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ 12 = 25 आना चाहिए। अब कैसे करोगे भाई, तो देखें इसको, यहां पर 35 बचा, इसका मतलब 35 क्या है, आंसर है, चेक कर लो। फिर 5 का निकालना आपको सिखाया गया, तो 5 × 5 = 25, 3 में 1 जोड़ो तो कहेंगे 4, और 4 + 3 कितना, तो कहेंगे 12, यानी 35 का स्क्वायर क्या आ गया, 12 = 25 आ गया, क्लियर है। लेकिन भाई अब आपको करना कैसे है, इससे भी हटके आपको बताएंगे, तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें, या इसी पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रश्न देखें भाई, अब आपको जल्दी कैसे करना इसी को समझना है। कोई भी संख्या होगा वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अब आप देख सकते हो भाई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपवादित रहेगा कि किसका वर्ग में आएगा, आखिरी के 2 अंक देखते हैं किसके वर्ग में आते हैं, तो आखिरी के 2 अंक कहेंगे 25 है, 25 किसके अंक में आएंगे, कहेंगे 15, किसके आएंगे 15 का, तो आप एक बार 15 लिख सकते हो। 15 के बाद एक बार इसी को 50 में जोड़ा जाता है, 50 में आप 15 जोड़ेंगे तो कहेंगे आएगा कितना, 65 हो जाएगा। एक बार 50 में से इसी 15 को घटाएंगे तो कहेंगे 35 आ जाएगा। एक बार इसी को 100 में से घटाते हैं तो कहेंगे कितना, 85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 85 हो जाएगा। अब यहाँ 15 तो कोई ऑप्शन नहीं है, 65 भी कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 85 भी कहीं नहीं दिख रहा है, बचा क्या 35, इसका मतलब 35 हमारा क्या है भाई, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें, अब किसका स्क्वायर आपको देखना है, तो मैं आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ भाई, अभी हमने बताया कि आपको 24 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, अगर 24 तक स्क्वायर याद रखे तो 100% मैं कह रहा हूँ कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है कि आप उसका वर्गमूल बता सकते हैं क्या हो। अब देखो आखिरी के 2 अंक आपको देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है, कहोगे 56 है, 56 किसके स्क्वायर में आता है भाई, 56 किसके स्क्वायर में आता है, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखो यहां पर 56 ये है, 56 ये है, 56 किसके स्क्वायर में है, कहोगे 16 के स्क्वायर में है, किसके स्क्वायर में है, कहोगे 16 के स्क्वायर में है, तो आप याद कर लें तो और आपका थोड़ा इजी होगा भाई। देखिए प्रश्न में, हाँ देखो 56 किसके स्क्वायर में आता है, तो कहेंगे 16 के स्क्वायर में आता है, 16 हमने लिखा, एक बार बता रहे हैं हम आपको
50 में यही अंक जो रहता है इसको जोड़ना पड़ता है, एक बार 50 में इसी अंक को घटाना पड़ता है, एक बार इसी को 100 में से क्या करते हैं घटाते हैं। चलिए इसको हल करें फिर। 50 16 कहेंगे 66 हो जाएगा, 50 में से 16 गया भाई तो कहेंगे कितना 34 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 100 में से तो कहेंगे 84। अब ऑप्शन मैच कर लो जो हो वही आंसर। 16 का ही है नहीं है, अब देखो 34 का ही है नहीं है, 84 का ही है नहीं है, मिला क्या कहेंगे 66 है, और 66 यहाँ पर देखो भाई मिल भी रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा भाई राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। अब आप मौखिक भी कर सकते हो भाई, 16 है 16 देख रहे नहीं है, एक बार 50 में से घटा लो कहोगे 34 34 भी नहीं है, हाँ एक बार इसी को जोड़ेंगे 50 में 66, तो आपका डी ऑप्शन सॉरी यहाँ पर भाई बी है, डी नहीं है क्या भाई, यहाँ पर बी होना चाहिए। ओके चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अब बड़ा अंक आ गया, अब कैसे पहचानोगे, तो आपको आखिरी के दो अंक कहे हैं देखने के लिए। अब 41 है, 41 किसके स्क्वायर में आता है, तो कहोगे 21 का स्क्वायर भाई, किसके स्क्वायर में 21 के स्क्वायर के अंत में देखिए 41 आपको मिल रहा है भाई, किसके 21 के स्क्वायर में आपको 41 दिख रहा है, इसका मतलब है ये 21 का, तो सबसे पहले हम 21 लिखे, एक बार 50 में इसी 21 को भाई जोड़ो तो कितना हो जाएगा कहेंगे 71 हो जाएगा भाई, एक बार इसी 50 में से 21 को घटाना होता है तो घटाएंगे कहेंगे 29 हो जाएगा, एक बार इसी को 100 में से घटाना पड़ता है, अब 100 में से घटाओगे तो भाई यहाँ पर कहेंगे 79 हो जाएगा, मतलब 79 हो जाएगा। अब आपको देखना है भाई किस में ऐसा मैच कर रहा है, अब आखिरी के दो अंक, अब बड़े अंक हैं तो आखिरी का दो अंक देखेंगे, 21 किसी के अंत में दूसरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 71 दिख रहा है, देखिए इसके अंत में है 71, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है भाई राइट हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या है आपका सही हो जाएगा, ना तो 29 दिख रहा ना तो 79 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब आखिरी के अंक 71 मिल रहा है, यही ऑप्शन हो गया आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखें 09 है, कितना है भाई 09 है, अब देखो 09 देखना है भाई, 0 से मतलब ही नहीं, 9 किसके वर्ग में आएगा कहेंगे 3 के वर्ग में आता है, किसके वर्ग में आता है भाई कहेंगे 3 के वर्ग में 9 आता है, इसका मतलब यहां पे लिखेंगे 03 भाई, डबल अंक लिखना पड़ेगा, एक बार इसी को 50 में आप जोड़ें, 50 में जोड़ें, एक बार 50 में से इसी 3 को घटाएं, एक बार इसी को 100 में से घटाना है, 50 3 कहेंगे 53, 50 में से 3 गया भाई यहाँ पर कितना तो कहेंगे 47, और 100 में से 3 गया तो कहेंगे 97, अब मिलाओ भाई क्या आंसर होगा, तो देखो आखिरी के अंक देखना है, 03 है इसमें कहोगे नहीं है कहीं भी, यहाँ देखिए 53 कहीं आखिरी के अंक में कहोगे नहीं है, 47 देखो किसके अंत में आखिरी के अंक में आ रहा है कहोगे इसमें है सी ऑप्शन में 47, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा भाई राइट हो जाएगा, ना तो आपको 97 कहीं दिखे, ठीक है, मतलब 50 में एक बार जोड़ो, 50 में घटाओ, एक बार 100 में से घटाओ, यही आपको ट्रिक भाई लगाना है और आपका क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला बताएं, अब इतना तो याद ही होना चाहिए भाई, ये किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है भाई कहेंगे सॉरी 625 25 का है, और 484 किसका भाई कहेंगे 22 का है भाई, इसका देखो रूट के अंदर इसका मतलब होता है वर्गमूल लेना, वर्गमूल लिए तो 625 25 का है और 484 22 का है, अब बीच में प्लस कर रहा है तो जोड़ दो भाई, 527 और 224 तो कितना आ गया उत्तर कहेंगे 47 आया, और 47 ये ऑप्शन क्या है भाई राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा तो कहेंगे ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, इधर देखें क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर है, यहाँ पर 34 इक्वल कितना है भाई 484 है, देखो 484 है रूट के अंदर है, ये देख सकते हैं भाई किसका स्क्वायर है कहोगे 22 का स्क्वायर है, किसका है तो 22 का स्क्वायर, जब याद रखोगे भाई तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाएगा, तो आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ 30 तक तो आप रट लो, बाकी निकालना तो अभी हमने आपको सिखाया है, आगे देखें ये माइनस में बराबर के उस साइड जाएगा भाई 34 तो किस में हो जाएगा तो चिन्ह बदलेगा प्लस में हो जाएगा, ये आपका 34 हो गया। चलिए इसको आगे हल करें, जोड़ें इसको तो 4 2 6
और 3 2 5 आ गया 56 आया भाई, कितना आ गया कहेंगे 56 आया। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, यहां पे रूट लगा है, क्या लगा है भाई रूट लगा है, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब यहां पे स्क्वायर लगेगा, यहां पर क्या होगा भाई स्क्वायर होगा। चलिए अब वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा तो यहां पे बचेगा क्वेश्चन मार्क, और 56 का स्क्वायर क्या होता है अभी हमने आपको बताया स्क्वायर निकालने के लिए, आगे का स्क्वायर करें 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना भाई तो कहेंगे 36, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 6 5 6 30 और घास से गुणा करेंगे तो 30 दोनों कितना भाई कहेंगे 60, जोड़ो इसको तो 6 यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 5 11 की 1 और यहाँ पर कितना तो 3, मतलब उत्तर कितना आ गया भाई कहेंगे 31 और 36 आया। अब ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई तो कहेंगे डी ऑप्शन क्या है भाई राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, ये सबसे सिंपल प्रश्न होता है भाई, इसको भाई लग के नहीं भाई, आपको डायरेक्ट आपको जल्दी करना लिखना नहीं है, इस प्रश्न में अगर आता है ऐसा तो आपको क्या करना है भाई यहाँ पे अंतिम से चलना होता है। अब अंतिम से चलेंगे तो ये किसका वर्ग है 49 का होगा 7 का, अब ये रूट से बाहर 7 आया तो 7 यहाँ प्लस कह रहा है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 29 7 कितना तो कहेंगे 36 होगा भाई। अब 36 किसका वर्ग होगा तो कहोगे भाई 6 का है, अब यहाँ 6 जुड़ेगा 19 6 कितना तो कहेंगे 25 हो जाएगा, 25 किसका वर्ग होगा तो कहेंगे 5 का, अब इस 5 11 में जोड़ेंगे तो कहेंगे 16 हो जाएगा, 16 किसका वर्ग कहोगे 6 का, अब 6 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई देखें यहाँ पर शायद सही बात देखें भाई यहाँ पर हाँ ये 16 हुआ था, 16 किसका तो कहेंगे 4 का, और 5 4 कितना कहेंगे 9 9 किसका तो कहेंगे 3 का, तो 3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अब इसको लिख दें हम आपके लिए, यहाँ पर इसको लिखना भाई, यहाँ पर अगर आप पूरा लिख के लगाना चाहेंगे तो इस तरह से करेंगे 5 11 19 29 49 एक एक स्टेप हल करेंगे भाई। लेकिन अब आपको वहाँ डायरेक्ट करना है, ये सिखाने के लिए आपको लिख रहे हैं भाई, तो 5 प्लस यहाँ पर कहेंगे 11, बार बार ऐसे बनाते रहो भाई, इतना समय वहाँ थोड़ी रहेगा आपके लिए। अब देखो भाई यहाँ पर भी रूट लगा था, यहाँ पर कहेंगे 29, अब ये रूट से बाहर आएगा 49 किसका वर्ग कहेंगे 7 का, अब भाई इसको जोड़ो बढ़ाते चलो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट ही आपका आंसर है। चलिए इसको देखें, अब आप इसको जोड़ोगे भाई 29 और 7 जोड़ोगे कहोगे 36, 36 किसका वर्ग कहोगे 6 का वर्ग, यहाँ पर 6 लिख दे। अब एक स्टेप भाई, हम डायरेक्ट यहाँ जोड़ के लिखे नहीं है, उसको डायरेक्ट हमने 6 लिखा है, कैसे आया क्योंकि 29 7 36 36 किसका वर्ग 6 का होगा, 5 यहाँ पर 11, अब देखो 19 6 25 25 किसका वर्ग होगा कहोगे 5 का होगा, किसका हो गया भाई कहोगे 5 का हो जाएगा, 5 प्लस अब देखो 11 5 कितना तो कहोगे 16 16 किसका वर्ग है कहोगे 4 का, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई कहेंगे 9, और 9 किसका वर्ग होगा तो कहेंगे 3 का, 3 आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है 9 का स्क्वायर बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 9 कह रहा है, हमको क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो भाई देखो तिर्यक गुणा करो, क्वेश्चन मार्क का गुणा होगा कहेंगे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर होगा, इसका इससे गुणा करो तो इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर गुणे यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई 9, हमको चाहिए क्वेश्चन मार्क का, इसका मतलब दोनों पक्षों का भाई क्या ले लें वर्गमूल ले लें, या इसको ऐसे भी कर सकते भाई, देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इस 9 को लिख सकते हो, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हो 9 गुणे 9, आगे देखें हमको क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए तो क्वेश्चन मार्क भाई स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा कहेंगे रूट लग जाएगा, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा। चलिए अब रूट से बाहर ला सकते हैं 9 किसका वर्ग है कहेंगे 3 का वर्ग है भाई, ये 9 ये भी 3 का स्क्वायर होता है, ये 9 ये भी 3 का स्क्वायर होता है, गुणा करो तो 3 3 का 9 9 3 कितना
तो कहेंगे 27 आएगा, और 27 कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन क्या है भाई, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन मार्क बटे 49 बराबर 16 बटे क्वेश्चन मार्क, तिरियक गुणा करो तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसका गुणा मत करना भाई, नहीं तो गुणा करो फिर आपके लिए सवाल लंबा हो जाएगा, ऐसे ही लिख दो। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर भाई वर्गमूल, क्योंकि भाई यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे, वर्गमूल लेने के लिए भाई यहाँ पर रूट लग जाएगा 49, यहाँ पर 16। अब बताओ रूट से बाहर करें 49 किसका, कहेंगे 7 का वर्ग, 16 किसका, तो कहेंगे 4 का, दोनों का गुणा करो तो सच्चो 28, और 28 कौन सा ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं भाई, आपको कैलकुलेशन आने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है भाई 121 और उसके बाद बटे क्वेश्चन मार्क, फिर आपका क्वेश्चन मार्क बटे 81, तो तिरियक गुणा भाई क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसका 121 गुणे 81, हमको क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए तो वर्गमूल लेंगे 121 गुणे 81। अब देखो 121 किसका वर्ग, 11 का, और 81 9 का, तो गुणा करो 11 9 यहाँ तो होगा 99, तो 99 कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन क्या है भाई, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन मार्क बटे 28 80 बराबर 180 बटे क्वेश्चन मार्क कह रहा है भाई। देखो भाई इसका अगर तिरियक गुणा करोगे तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसका करोगे तो कितना, तो कहोगे 288 जीरो गुणे 180। देखो एक तो है कैलकुलेशन को आप बहुत हार्ड कर सकते हो, एक है थोड़ा आसान कर सकते हो, कैसे वो भी आपको ही समझना है भाई। देखिए क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो इसमें है, जीरो इसमें है, तो दोनों को अलग अलग कर दें। इसको सबसे पहले दो से काटो, तोड़ के लिख दें, तो दो एक कम दो, और दो चौक आठ, और दो चौक आठ, मतलब 144 दूना 288। ये जीरो था, इसको हम बना लें भाई 10। फिर 18 को लिख सकते हो 2 × 9 × 10 लिख सकते हो भाई, क्योंकि 2 × 9 = 18 दाम में 180। यहाँ देखो भाई हमको क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे रूट लगा दो। देखो जो सेम अंक है पास पास लिख सकते हो आप, 2 × 2 लिख सकते हो, ये 144 है, 144 को चलो लिख देते भाई, 10 को एक पास में करो, 10 × 10 कर सकते हो, 9 है अकेले तो 9 को कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है भाई, जितना आप बनाते जाओ गुणा करोगे थोड़ा बड़ा चला जाएगा। चलिए हल करें, देखिए रूट से बाहर लाते हैं, अगर जोड़ा बनता है, इस दो का जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर। अब 144 देखे भाई किसका स्क्वायर कहोगे, 12 का, 10 का देखिए जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बने तो 1 बाहर आ जाता है, 9 किसका वर्ग कहोगे 3 का वर्ग, गुणा कर ले आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, इसका गुणा करो तो सबसे पहले भाई छोटे छोटे का गुणा करें, कहेंगे 10 × 3 = 30 और 30 और दूना कितना, तो कहेंगे 60, और 60 × 12 कर लो भाई, 10 बरछन कितना, तो कहेंगे 72, और उत्तर कितना आ गया भाई 720 आपका क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जितना बताया जा रहा है आप लोग कायदे से पढ़ते रहो भाई, और अच्छे से इस पर मेहनत करें, वर्ग वर्गमूल निकालना एक बार सीख लीजिए, आपके पास बुक होगा आप प्रैक्टिस कर लो एक बार, और 100% है कि आप जल्दी बना लेंगे प्रश्न। ठीक है भाई, और वीडियो को खूब शेयर किया करें भाई आप लोग भी, और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।